इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है MIM के प्रत्याशी नफीस मिर्जा खान, भारी समर्थन के साथ में आज अपना नामांकन फॉर्म जमा कराने यहाँ पर पहुँचे, और आपने देखी होगी कितना जो है जन सैलाब इनके साथ में आपको देखने को मिला है। हम बात करेंगे नफीस मिर्जा खान से। सर, क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं आपके? पहले मुद्दे तो इतने हैं कि अल्पसंख्यकों पर जो आप माहौल देख रहे हैं, पावलूम की हालत क्या है, महल्ले के अंदर हालत क्या है, हर जगह अल्पसंख्यक के नाम पर वोट मांगे इन्होंने। पिछले चक्कर हमने एक शहर हित के अंदर निर्दलीय को चुनाव जिताया, सोचा था कि अल्पसंख्यक की जो बदतर हालत हो रही है कुछ ना कुछ काम करेंगे, लेकिन 5 साल तक जीतने के बाद पत्ता साफ है और इनका कहीं से कहीं तक तो पता नहीं है। तो इस वजह से कि अल्पसंख्यक कुछ तो काम हो जाए, यहाँ पर आप जाके देखेंगे तो भेदभाव तरीके से काम किया जाता है, ना नगर निगम देख रही है, ना पुलिस प्रशासन में गवर्नमेंट में कोई इनके काम हो पाते हैं, भटक रहे थे स्कूल के अंदर, वैसी बदतर हालत हो रही है शहर के अंदर, गवर्नमेंट हाई स्कूल भी नहीं बना पाए ये लोग यहाँ पर लाकर के 5 साल के अंदर भर देते हो, गरीब के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं इनके अंदर आकर। अस्पतालों की कंडीशन है कि वहाँ डॉक्टर मौजूद नहीं है, डिलीवरी कराने के लिए बेटियाँ जाती हैं, बच्ची जाती हैं, उनकी डेथ हो जा रही है अस्पतालों में, डेथ हो जा रही है, यहाँ से खंडवा जाना पड़ता है अस्पतालों के लिए। तो ये सब तकलीफें देखने के बाद एहसास होता है कि हम इतने साल से यहाँ पर हैं, विकास के नाम पर जीत के जा रहे हैं, वादा करके जा रहे हैं। मैं तो सिर्फ 1 साल मांग रहा हूँ, 5 साल के लिए पब्लिक चुनती, मैं 1 साल के लिए पब्लिक के बीच में फिर आऊँगा और वादा करके जा रहा हूँ कि अगर आपके समस्या कोई है उसका हल मैंने अगर नहीं करा तो मैं 1 साल बाद खुद पब्लिक में आके बोलूँगा मुझे हटा दो, ये वादा कर रहा हूँ मैं आपके साथ आके। वादा मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि पद पकड़ के बैठ जाऊँगा और हवा में उड़ने लग जाऊँगा, क्योंकि इन लोगों ने हवा में उड़ के अपनी हवेली ही बनाई इन्होंने। आज देखें ये कहाँ थे, इनका कहाँ से 5 साल में 10 साल में 20 साल में कहाँ पहुँच गए, इनके धंधे तो देखें, इनकी जाँच तो कराएँ, ये पैसा आया कहाँ से इनके पास, किसके फैमिली के नाम पर कितना पैसा आया ये पूछें, मेरा तो अकाउंट और ये सब देख लें, आज जो है उससे ज़्यादा कागज मिल जाए तो बात करना कि मेरे में अकाउंट में ज़्यादा पैसा है। काम करना सीखें, पब्लिक के अंदर आए तो काम करें पब्लिक का। आज पब्लिक तरस हो गई है और ये तरस की वजह से मोहब्बतें मिल रही हैं मेरे को। क्या लग रहा है आपको, बुरहानपुर जनता आपके साथ है फिर अब? इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि 100% मुझे बुरहानपुर के लोग साथ देंगे, क्योंकि मैं उनके साथ का, उनके बीच का, उनका बच्चा हूँ, वो मेरे को पूरा सपोर्ट करेंगे। और एक जरिए आपसे भी आप निवेदन करना चाहूँगा, जुम्मा दिन के आए हुए वो कांग्रेस से निवेदन करना चाहता हूँ कि वो हमारे किसी पार्षद को अल्टीमेटम ना धौस देने की कोशिश करें कि हम तुम्हें निष्कासित कर देंगे। अगर एक पार्षद को भी निष्कासित करा उन्होंने तो बुरहानपुर की जनता क्या जवाब देगी उनको मालूम पड़ जाएगा। तो नफीस मिर्जा खान साहब, आपने देख सकते हैं उन्होंने कांग्रेस को भी चुनौती दे दी है कि क्या कुछ जो है जनता देखने वाली है, ये हमने आपको बताया। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे BNC News के साथ। अपने कैमरा सहयोगी अनस के साथ मैं दानिश खान, BNC मीडिया, बुरहानपुर।